सो फ्रेंड्स, आज जो मेरी सारे फिशेज उनको मैं ये चिकन नट फीड कराऊंगा, तो बड़ों के लिए बड़ी पीस है और बाकी छोटी फिश के लिए मैंने ये छोटे पीस कर लिए। तो ये सबसे पहले जो मेरी फाइटर फिश बेटा फिश है, इसको मैं सबसे पहले खिलाऊंगा। तो एक ये जो बेटा फिश में एक ये बात होती है कि ये मतलब खाना बहुत धीरे खाती है। जैसे अभी आपने देखा एक पीस खा लिया, अभी दूसरा पीस पता नहीं क्या सोचते हैं पहले, फिर खाते हुए जैसे देख सकते हैं आप, मतलब कितनी देर बाद उसको देख रही है फिर खा रही है। मेरे को पता नहीं मतलब क्या सोचते हैं और खाते हैं। अभी जैसे अभी और पीसेज में डालूंगा तो आप देखना, जैसे अभी मैंने और पीस डाल दिया तो इसमें आप देखना। अभी जैसे एक पीस खा लिया, अभी दूसरा पीस आएगा, इसको ये देख तो लिया लेकिन अब खाएगी नहीं, उसको पता नहीं क्या रहता है इनका। तो फ्रेंड्स, अभी जल्दी मतलब इसके लिए मेल है ये, इसके लिए एक फीमेल बेटा फिश भी मैं लेके आऊँगा। वैसे अब शॉप पे नहीं मिल रही है, मतलब सर्च कर रहा हूँ किस शॉप में मिल जाएगी, तो मैं ले आऊँगा हैंड टू हैंड उसी टाइम। तो उसके लिए भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसका मैं अपडेट आगे डालता रहूँगा, आपको आगे वीडियोज़ डालता रहूँगा। तो अभी ये इसने खा लिया है, तो अभी इसको जल्दी से कवर करते हैं और जो मेरा दूसरा प्लांटेड टैंक है उसकी तरफ चलते हैं, उनको भी खिलाते हैं जो मेरी कलर्ड बीटो फिशेज है। तो चलिए इसको जल्दी से पैक कर देता हूँ ऊपर से, मतलब जो इसके लिड है कवर है वो लगा देता हूँ, फिर चलते हैं। तो अभी इसको मैंने लगा दिया, अभी चलते हैं मेरे जो दूसरे स्टोर के अंदर जो मैंने रखा हुआ प्लांटेड टैंक। तो ये मैंने इधर रख रखा है, ये मतलब अलग रख रखा है। तो अभी इसकी लाइट जला ली। इस साइड मेरे ये लोबर्ट्स रखे हुए सारे, तो इसके अंदर अभी देख सकते हैं मतलब प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी हो रखी है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले ऊपर से ढक्कन को सेट करके फिर अब इनको डालता हूँ जल्दी से। तो इसके अंदर मेरे पास अब मतलब ओनली कलर वीडियो है, इसमें मैंने फाइटर फिश निकाल दी है। और वो क्यों निकाली, उसके मैंने वीडियो डालती है पीछे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मैंने मतलब फाइटर फिश को क्यों इसमें से सेपरेट करा था, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अभी, तो आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने फूड डाला है, मतलब इतना अच्छा फूड डाला और ये बस एक फिश खा रही है और इसके यहाँ एलिगेटर खा रही है, बाकी सारी मतलब फूड से डर के छिप रही है, पता नहीं क्या है इनका भी। अभी इनको फूड इन दिख रहा है, अभी जैसे एक को दिखा, अभी देख सकते हैं आप। तो अभी मेरे मतलब इनके कलर वीडो की भी आप ग्रोथ देख सकते हैं, इनके फिन्स देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने मतलब लॉन्ग फिन ग्रोथ हो चुकी है इनकी। तो इनका भी मतलब ब्रीड का तो मेरे को पता नहीं कि ब्रीड करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक तो मैंने देखा नहीं कि दो मतलब कन्फर्म पेयर आ चुके हों मेल फीमेल के। तो अब ये नीचे पड़ा हुआ, ये नहीं खा रहे, बाद में खाते रहेंगे। तो अभी चलते दूसरे टैंक की तरफ। तो ये मेरा जो ऑस्कर फिश का टैंक है, इसके अंदर आ चुके हैं, तो अब इनको भी जल्दी से फीड करा देते हैं। तो ये सेपरेट वाली वही फिशेज है जिसको ये मतलब मार रही थी, दोनों फिशेज, तो अब इनको डाल देता हूँ। तो इनको भी देख सकते हैं आप कैसे मतलब एग्रेसिवली खाते हैं। तो उस फिश को मैंने अभी भी इसलिए सेपरेट रख रखा, क्योंकि मैंने इनके साथ में रखा था उसको वापस ठीक होने के बाद, बट ये मतलब वापस इसको मार रहे थे दोनों, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट रख रखा है अभी। तो अभी इसको भी थोड़ा खिला देते हैं, मतलब इसकी भी थोड़ी ग्रोथ है वो रुक चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दूसरी मछली इसको मारेगी, तो ये स्ट्रेस में आके इसने फूड छोड़ रखा था, अभी भी इसने पैलेट छोड़ रखे हैं। तो इसको मतलब एक सप्ताह के अंदर 2 से 3 बार ये मतलब चिकन हर्ट खिला देता हूँ, क्योंकि कुछ तो खिलाना जरूरी है फिर फिशेज को। तो चलिए दूसरे टैंक की तरफ चलते हैं मेरे, जो ये मेरा दूसरा ऑस्कर फिश का टैंक है, इसके नीचे मेरा फ्लावर ऑन करके अब इनको भी जल्दी से ये ऊपर का जो ढक्कन हटा दिया है मैंने, अब इनको जल्दी से फीड कराता हूँ। सबसे पहले मेरी फ्लावर ऑन, तो इसका आप देख सकते हैं इनका कलर कितना इनहेंस हो चुका है अब, और जो इसके हेड ग्रोथ भी देख सकते हैं और पूरी ओवरऑल ग्रोथ देख सकते हैं आप कितनी अच्छी हो चुकी है और कितनी एक्टिव वो भी देख सकते हैं। तो अभी इसको भी जल्दी से खिला देता हूँ। तो फ्लावर ऑन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पूरा बताऊँ कि इसको कौन सा फूड खिलाता हूँ, क्या टैंक साइज है और मतलब क्या इसका रूटीन रहता है, कब कब मैं इसका जो पानी चेंज करता हूँ कैसे क्या करता हूँ, वो पूरी वीडियो आएगी। उसके लिए चैनल को आप जोर से सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी मैंने इनको भी डाल दिया है, ये जो टाइगर ऑस्कर और जो कॉपर ऑस्कर थी, तो ये वही टैंक है जिसके ना मेरे दोनों टाइगर ऑस्कर इन्होंने ब्रीड करी थी। तो अभी तो उनके एग खराब हो चुका है, उसकी ब्रीड मैंने डाल ली थी, क्या इशू रहा क्या ना रहा कैसे खराब हो चुका है, तो उसका भी आपको अभी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, उधर से आप देख लेना वीडियो को पूरी, मतलब दोनों पार्ट के जो लिंक है वो डाल दूंगा, कि मतलब जब एग देते तब सेपरेट कर रहे थे और वो ख़राब कैसे हुए, वो भी आपको मतलब दूसरा पार्ट है उसके अंदर पता चल जाएगा। तो वो वीडियो का भी आप पूरा देख लेना अच्छे से, मतलब जितने वीडियो उसको देख लेना पहले, तब आपको समझ आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अभी इनको मैंने पूरा खिला दिया है, तो मतलब ओवर फीडिंग मैं नहीं करता चिकन हर्ट की कभी भी, मतलब चिकन हर्ट के किसी भी फूड की ओवर फीडिंग नहीं करनी चाहिए, बस इनको थोड़ा थोड़ा खिला दिया वो इनके लिए इनफ रहता है, क्योंकि मैं इनको मॉर्निंग में डाइट दे चुका हूँ, इनका पैलेट फूड दे चुका था। तो फ्रेंड्स, अभी की मेरी वीडियो यहीं तक थी, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप लाइक नहीं करते मैंने बहुत बार नोटिस करा, और सब्सक्राइब भी नहीं करते बहुत से लोग। तो चलिए आप सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जब तक हमारी नई वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर।